नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में बेरोजगारी इतनी हावी हो गई है कि इन बेरोजगारों की सुनने वाला कोई नेता नहीं है। वहीं जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद के तंबू से बेरोजगार जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर हजारों की संख्या में बेरोजगारों का एक प्रतिनिधि मंडल नवीन जय हिंद के तंबू में पहुंचा। बेरोजगारों ने कहा कि जब तक उन्हें नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक वे नवीन जय हिंद के तंबू से जाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि नवीन जय हिंद दो दिन पहले बेरोजगारों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों नेताओं के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। नवीन जय हिंद ने रविवार को बेरोजगारों के साथ घोषणा की कि वे दिल्ली कूच के लिए निकल रहे हैं और रविवार को ही नवीन जय हिंद बेरोजगारों के साथ दिल्ली कांग्रेस निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयराम रमेश को ज्ञापन भी सौंपा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास होलियान की रिपोर्ट। आज दिल्ली जा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलने के लिए और जयराम रमेश जी से, कि भी जो सरकार ये बहाना बना रही है कि जो जयराम रमेश जी ने एप्लीकेशन लगा रखी है 25,000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग की रोक की, तो उसको वापस उठा लें। दो दिन पहले हम चंडीगढ़ गए थे सारे के सारे, तो वहां मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब सैनी साहब दोनों को ज्ञापन भी देकर आए थे। कल परसों की बात है, परसों हमारे को मुख्यमंत्री साहब मिले थे, तो मेरी गलती साहब रहा कांग्रेस वाले मैंने बीजेपी का एजेंट बतावे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस का एजेंट बतावे हैं, रोज अलग अलग एजेंट करी हुआ। मैं हूँ जनता का, इन बेरोजगारा का, दुखियारा का एजेंट। तो हम जयराम रमेश जी से ये जाकर कहेंगे, हुड्डा साहब से हम ये कहेंगे, आप जयराम रमेश जी से कह के उस एप्लीकेशन को उठवा लीजिए ताकि सरकार को कोई बहाना ना मिले। और 25,000 बालक है, मतलब 25,000 परिवार है ये मालूम, कम से कम को मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, अगर 2-3 लाख वोट इनकी भी, इनके भी हाथ में है, तो बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाई जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हुड्डा साहब से भी, वो उनको कहेंगे कि एप्लीकेशन वापस उठाएंगे और ताकि वो सरकार का पता तो चल जाए ना, फिर वो लगा हुआ है लिस्ट नहीं लगा हुआ है। और दूसरा वो ये कह दें कि भाई ठीक है, अगर हमारी सरकार आवे है तो एक महीने के अंदर इन जितनी भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे हम, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहते। न्यू सैनी साहब तो हमने कही थी, आप अगर एप्लीकेशन वो नहीं उठाता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इन बच्चों की भर्ती करवाइए। हमने कोई और किसी चीज, हम टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे, ना टिकट के लिए रो रहे हैं बच्चे, ये अपनी नौकरी और अपनी ज्वाइनिंग के लिए रोए हैं, ये कोई टिकट के लिए नहीं रो रहे हैं और ना हम कोई टिकट के लिए जा रहे हैं, तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो क्योंकि मैनिफेस्टो में तो दोनों ये लिखेंगे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसा है, देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ और ये जो टेक्निक, ये जो राजनीतिक भाषा होती है इनकी सारी समझ में आती है मेरे को। हमें पर्टिकुलर ये चाहिए कि ये जो ज्वाइनिंग अटकी हुई है, ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस जे जो 25 और अलग अलग डिपार्टमेंट की और भी बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे, इनको हम आते ही, मतलब कांग्रेस से हम ये उम्मीद करें, वो ये कहें कि अगर हमारी सरकार आती है, हमने नहीं बेरा किस किया, लेकिन वो कहें कि हमारी आती है तो एक महीने के अंदर टाइम बाउंड ज्वाइनिंग से ये है, ये नहीं चलेगा कि हम हजारों को नौकरी देंगे, लाखों को देंगे, इस पे बताओ जो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है जिनका, ये नहीं कहावेंगे रातें भर्ती, मतलब इनने रिजेक्ट कर फिर निकाल दी गई 1 लाख भर्ती फिर काट दी हमने, ये राजनीतिक भाषा सारी मेरे को समझ में आती है। राजनीतिक भाषा की बात नहीं है, सीधी बात है, ये पर्टिकुलर भर्ती जो बालक 4-8 साल तक दुखी हो रहे हैं उनकी भर्ती करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।